कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका भास्कर स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सर्वेश कुमरावत, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था आपको बार बार कि इस महीने से हम मासिक राशिफल की भी शुरुआत कर रहे हैं और उसी के लिए वीडियो हम बना रहे हैं। ये जो मासिक राशिफल जो आप सुनेंगे, ये जुलाई 2021 का मासिक राशिफल है आपकी राशि के लिए। यह जो मासिक राशिफल आप सुनेंगे, यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भी राशि में होता है, वह आपकी चंद्र राशि होती है। और जो भी आपकी कुंडली में चंद्र राशि हो, वह उसी राशि को आप कंसिडर कीजिएगा और उसी के हिसाब से ये राशिफल आप सुनिएगा। जैसे साप्ताहिक राशिफल में हम राशिफल को, हर राशि के राशिफल को तीन सेक्शन में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और उपाय, वैसे ये थोड़ा सा मासिक राशिफल अलग अलग रहेगा। आपको अभी स्क्रीन में आपकी राशि जो कुंडली है वो दिखाई देगी और उस राशि कुंडली के हिसाब से हम सभी भावों का अध्ययन करेंगे, ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपका राशिफल बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम पहले यह देख लेते हैं कि जुलाई के महीने में सभी ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, कौन सा ग्रह किस राशि में रहेगा। सबसे पहले 7 जुलाई को बुध ग्रह का गोचर जो है वो वृषभ से मिथुन राशि में होगा। बुध ग्रह अपनी वृषभ राशि से अपनी खुद की राशि मिथुन राशि में जाएंगे। उसके बाद 16 जुलाई को सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 20 जुलाई को मंगल कर्क राशि, जो कि वर्तमान में चंद्रमा की राशि होती है और वर्तमान में मंगल इसी राशि में उपस्थित है, नीच के हैं, तो कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 25 जुलाई को बुध ग्रह अपनी खुद की राशि मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में जाएंगे। इसके अलावा जो बाकी ग्रह हैं, शनि अपनी खुद की ही राशि मकर राशि में है लेकिन वक्रीय है। गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु कुंभ राशि में है लेकिन वो भी वक्रीय है। राहु वृषभ राशि में है और केतु वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप ही की राशि के बारे में, धनु राशि के बारे में, कि ये महीना कैसा रहने वाला है, जुलाई का महीना आपके लिए। तो आपको जो आपकी राशि की राशि कुंडली है जुलाई महीने की, वो स्क्रीन में यहाँ पर दिख रही होगी। सबसे जो पहला भाव है वहां पर 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर यानी कि धनु राशि, धनु राशि के स्वामी गुरु तीसरे भाव में बैठे हैं वक्री होकर, पराक्रम भाव है ये। सीधा सा इसका ये मतलब है कि जितना आप मेहनत करेंगे, मेहनत ज्यादा करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा मिलेगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही रिजल्ट मिलेगा आपको। तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की, हर क्षेत्र में, अपने निजी जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में भी, अपने पर्सनल लाइफ में भी, जहां पर भी जो भी काम आप कर रहे हैं बहुत मेहनत से करें, लगन से करें, तो उसके सकारात्मक और कई अच्छे परिणाम आपको मिलने लगेंगे। इसके अलावा पिछले दिनों आपने अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया है या फिर कोई आपसे गलती हुई है, तो देखिए अगर गलती हुई है तो आप पहल करें गलती को सुधारने में। किसी से संबंध अगर बिगड़े हैं तो उसको फिर से ठीक करने में आप पहल करें और वो आपको जो कोशिश है वो सफलता आपको मिलेगी उसमें। इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण निर्णय ऐसा लिया है जो आगे जाकर आप भविष्य में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, तो एक बार उसको रिव्यू करें। जो निर्णय है, जो योजना है आपकी, उसको एक बार फिर से देखें, चेक करें, अपने वरिष्ठ लोगों से राय लें और उसके बाद फिर आगे बढ़े, उस काम को करें आप। अब बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरे भाव में हम देखते हैं कि वहां पर मकर राशि है। मकर राशि के स्वामी शनि, जो खुद मकर राशि में ही उपस्थित है और वक्री है, ये अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। तो देखिए इसका सीधा सा ये मतलब है कि आपने पहले अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कोई कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उसका काफी अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, वो पैसा बढ़कर आपको मिलेगा, धन लाभ होगा कहीं ना कहीं से। अगर किसी को पैसा उधार दिया है और वापस नहीं आ रहा है, तो इस महीने आप कोशिश कीजिए वापस आ जाएगा। या फिर अगर कोई डील आपकी क्लोज नहीं हो रही थी बिजनेस में, वो डील आपकी क्लोज हो सकती है थोड़ी सी कोशिश करने पर। और इसके अलावा पारिवारिक माहौल अगर देखें, परिवार में कैसा रहेगा तो अच्छा रहेगा, आपके साथ सभी के टर्म्स, आपके साथ सभी के टर्म्स अच्छे रहेंगे। बात करते हैं तीसरे भाव की, जहां पर कुंभ राशि है। कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं, जो धन भाव में है, और कुंभ राशि में वक्री होकर गुरु उपस्थित है, जो आपके राशि के भी स्वामी है। जैसा मैंने पहले बताया कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना है, अच्छे से, मन से, पूरे मन से, लगन से मेहनत करना है। जो भी काम आप करें वो पूरी मेहनत और लगन के साथ करें, उसमें अपना 100% आप दीजिए,
उसके बाद जो रिजल्ट आपको मिलेंगे, आपको खुद भरोसा नहीं होगा कि इतना अच्छा रिजल्ट आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। अगर मेहनत नहीं की तो फिर रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। मेहनत आपको करना पड़ेगी, छोटे भाई बहनों का या फिर कोई अगर कार्य क्षेत्र में है तो वरिष्ठ लोगों का सहयोग आपको जरूर मिल सकता है। यह जो भी राशिफल अभी मैं बता रहा हूँ, इसमें से कौन सी चीजें, कौन सी घटनाएं आपके साथ होगी, कौन सी घटनाएं नहीं होगी, यह डिपेंड करता है आपकी जो लग्न कुंडली है, आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें किस ग्रह की क्या स्थिति है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपके लिए पर्सनली ये महीना कैसा रहेगा जुलाई का, तो आप हमें जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है उस पर आप मैसेज भेजिए, आप हमसे व्यक्तिगत परामर्श लीजिए और आपको उसके लिए इस नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल सेंड करनी है और उसके बाद हमारी तरफ से आपको रिप्लाई मिलेगा और आगे क्या करना है प्रोसेस वो आपको बता दी जाएगी। ये जो भी बात जो आपकी राशिफल में जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप ऐसे ही सुन के आप भरोसा मत कीजिए, आप इन बातों को नोट कीजिए। और ये जो भी राशिफल मैं आपकी राशि के लिए बता रहा हूँ जो जुलाई महीने का है, तो इन सब बातों को आप नोट कीजिए, नोट कीजिए और फिर आप कहीं पे अपनी डायरी में या मोबाइल में नोट करके रखिए और फिर उसके बाद आप देखिए कि आपके साथ इन घटनाओं में से कौन सी घटनाएं होती है, कौन सी चीजें होती है, कौन सी नहीं होती है, और फिर आप कमेंट करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, जिससे हम आपका जो राशिफल है चाहे वो साप्ताहिक हो मासिक हो वो और एक्यूरेट लाने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं चौथे भाव की, जहाँ पर मीन राशि है। मीन राशि के यानी कि गुरु, और गुरु कहाँ पर है, तीसरे भाव में। देखिए सुख भाव के स्वामी तीसरे भाव में है वक्री होकर, मतलब अपनी राशि से 12वें भाव में वो उपस्थित है। तो यहाँ पर देखिए पहली बात कोई नेगेटिव तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए इस महीने आप प्लान कर सकते हैं कोई प्रॉपर्टी खरीदने का या बेचने का, तो पहले जिस एरिया में प्रॉपर्टी ले रहे हैं आप वहां के बारे में नॉलेज निकाले, जानकारी निकाले, वहां के रेट पता करें और उसके बाद फिर आप आगे बढ़े। और जो भी अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे साइन करने की स्थिति बनती है आपके साथ जुलाई के महीने में, तो पहले वो पूरा ध्यान से आप पढ़ लें, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट निकल सकता है जिसमें आपको सुधार करना पड़े। इस महीने आपकी छोटी मोटी यात्राएं होंगी, लेकिन वो बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगी, अच्छी रहेगी, आपके लिए लाभदायक रहेगी। इसके साथ ही अपने घर में कुछ काम करवा सकते हैं आप, मरम्मत का या किसी तरह का घर में पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी आपको इस महीने हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पांचवें भाव की, जहाँ पर मेष राशि है। मेष राशि के स्वामी मंगल कर्क राशि यानी कि 8वें भाव में नीच की होकर उपस्थित है और ये 20 जुलाई तक रहेंगे। तो 20 जुलाई तक का जो समय है विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा या स्वास्थ्य के कारण पढ़ाई में थोड़ी सी रुकावटें आ सकती है, परेशानी आ सकती है, एक दो दिन आपका ऐसा बिगड़ सकता है बिना पढ़ाई के, जहां पर आपको जरूरत हो पढ़ाई करने की तब आपका ध्यान नहीं लगे, इस तरह की परेशानियां आपको आ सकती है। इसी के साथ संतान से संबंधित कोई परेशानी या चिंता आपको रहेगी, हो सकता है संतान के स्वास्थ्य से संबंधित आपको चिंता रहे, तो एक ये भी योग बन रहे हैं। जिन लोगों के प्रेम प्रसंग चल रहे हैं और कुछ अनबन चल रही है, तो वे लोग बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाए, सतर्क हो जाए, क्योंकि ये रिश्ता ब्रेकअप हो या बहुत दिनों तक ये लड़ाई चलती रहे, मतभेद चलते रहे, इस तरह के योग आपकी राशि में इस महीने बन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में जो राशि आती है वो है वृषभ। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है जो कि 8वें भाव में मंगल के साथ बैठे हुए हैं कर्क राशि में। वृषभ राशि में बुध और राहु की युति भी है। बुध 7 जुलाई तक वृषभ राशि में वक्री होकर रहेंगे, फिर अपनी राशि में चले जाएंगे। देखिए छठा भाव जो होता है रोग, ऋण और शत्रु का होता है। तो रोग, ऋण और शत्रु, देखिए ऋण की पहले हम बात करते हैं। अगर आप कोई लोन लेने का सोच रहे हैं किसी भी पर्पज से, तो लोन इस महीने आपका डिसबर्स हो सकता है या आपको उसमें सफलता मिल सकती है कोशिश में, या फिर इसके जस्ट अपोजिट अगर देखें कि लोन चुकाने का प्रयास भी अगर आप कर रहे हैं तो वो काम भी आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आएंगी, स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ आपको नसों में दर्द होना या सिर में दर्द होना, नींद नहीं आना, इस तरह की परेशानी आपको आ सकती है छोटी मोटी। इसके अलावा आपके शत्रु आप पर हावी होने की पूरी कोशिश करेंगे, 7 जुलाई तक उनका पक्ष थोड़ा मजबूत रहेगा, लेकिन जैसे ही राशि परिवर्तन होगा, बुध अपनी राशि में आ जाएंगे 7वें भाव में,
तो यहाँ पर आपको थोड़ी स्थिति आपके फेवर में भी बन जाएगी। तो 7 जुलाई तक थोड़ा सतर्क रहने की आपको जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, सातवें भाव की बात करते हैं, जहां पर मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि के स्वामी बुध छठे भाव में है वक्री होकर, लेकिन 7 जुलाई को फिर से आपकी राशि में आ जाएंगे। तो देखिए, 7 जुलाई तक आपका आपके पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ मतभेद हो सकता है, छोटा मोटी अनबन हो सकती है, या कुछ कहा सुनी हो सकती है, छोटी रहेगी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं। लेकिन जैसे ही, तो आपको 7 जुलाई तक इसको अवॉइड करना है, लेकिन जैसे ही ये सूर्य सॉरी बुध का राशि परिवर्तन होगा, तो वहां पर आपको फिर संबंध आपके मजबूत बनेंगे, आपके जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा, संबंध मजबूत होंगे। लेकिन फिर से ये 7-8 दिन का समय रहेगा ठीक, जो अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य राशि परिवर्तन करके 8वें भाव में आ जाएंगे, तो फिर बुध अकेला वहां पर रह जाएगा अपने राशि में। हालांकि यहाँ पर कोई नेगेटिव नहीं करेगा, लेकिन एक जो कहते ना कि नॉलेज, कि मुझे ज्यादा नॉलेज है, मुझे ज्यादा नॉलेज है, वहां पर थोड़ी सी टक्कर हो सकती है। उसके अलावा कुछ नहीं, बोली पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें अपने जीवन साथी के साथ जब भी आप बात करें। और यही स्थिति अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपको फॉलो करना है, कि 7 जुलाई तक कोई भी नया काम शुरू नहीं करे और कोई भी नई डील नहीं करे, लेकिन आपके बिजनेस पार्टनर को आप सब कुछ क्लियर करके चले। 7 जुलाई के बाद आपके और उनके टर्म्स भी काफी अच्छे हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी, बिजनेस में कोई डील क्लोज हो सकती है, आपके कुछ नया करने का प्लान भी बिजनेस में आपका बन सकता है इस महीने, खास करके 7 जुलाई के बाद। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 8वें भाव की। 8वें भाव में जो राशि आती है वो है कर्क, और उसके स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा 2.25 दिन में हर राशि में भ्रमण करते रहते हैं, 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो देखिए, कर्क राशि में वर्तमान में मंगल भी है, शुक्र भी है। मंगल यहाँ पर नीच के हैं, तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि खर्चा आपका हो सकता है ज्यादा, और स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है। इसके अलावा जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा, तो आपको स्वास्थ्य में थोड़ी सी सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन 20 जुलाई के दिन होगा तब, क्योंकि 20 दिन आपको बहुत केयरफुल रहना है। जब भी चंद्रमा वृषभ राशि में या वृश्चिक राशि में आएंगे, आपको थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, खर्च उस दिन आपका ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं, 9वें भाव की बात करते हैं। 9वें भाव में सिंह राशि आती है, जिसके स्वामी सूर्य है, और वर्तमान में सूर्य 7वें भाव में है, यानी कि मिथुन राशि में है। ये 16 जुलाई तक रहेंगे, तो आपके पिछले अगर कोई पेंडिंग काम है, अटके हुए काम है, या कोई महत्वपूर्ण काम है, वो 16 जुलाई तक आप उसको निपटा ले, क्योंकि तब तक आपको भाग्य का साथ भी बहुत अच्छी तरह से मिलेगा, पिता का सहयोग भी आपको मिलेगा। लेकिन जैसे ही 16 जुलाई के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य 8वें भाव में आएंगे आपकी राशि से 8वें भाव में, तो पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा कुछ ना कुछ परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, या पिता से कुछ अनबन हो सकती है, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल सकता है, अच्छे होते हुए काम रुक जाएंगे, कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाएगी उसमें। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। 16 जुलाई तक का समय अच्छा है, उसके बाद भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा, तो कामों में रुकावटें आएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं 10वें भाव की तरफ, जहां पर कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी बुध छठे भाव में बैठे हैं, रोग भाव में बैठे हैं, लेकिन और वक्री होकर बैठे हैं, लेकिन 7 जुलाई जुलाई को बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा और बुध अपनी स्वयं की राशि में आ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो मैरिड लोग हैं खासकर, उनको 7 जुलाई के बाद जो समय रहेगा, अपने कार्य क्षेत्र में कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, जो मेरिड है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा, तो आपकी कार्य क्षेत्र में स्थिति आपके लिए अनुकूल बनेगी। अगर पिछले दिनों कुछ दिनों से अगर आप परेशान चल रहे हैं, तो समस्या का हल आपको मिल जाएगा, कोई आके आपको मदद कर देगा, और काफी अच्छा माहौल रहेगा आपके कार्य क्षेत्र के लिहाज। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 11वें भाव की, जहाँ पर तुला राशि आती है। तुला राशि के जो स्वामी है वो शुक्र है, और शुक्र वर्तमान में 8वें भाव में उपस्थित है, लेकिन 17 जुलाई को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र भाग्य भाव में आ जाएंगे, सिंह राशि में आ जाएंगे। उसके बाद की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनेगी, खास करके धन लाभ में। अभी आपका 17 जुलाई तक कैसा रहेगा, कि कोई आने वाला पैसा है वो अटक सकता है, धन हानि भी हो सकती है या खर्च हो सकता है, धन आने में आप लाने में आपको बहुत मेहनत करना पड़े, धन कमाने में आपको बहुत मेहनत करना पड़े, मेहनत ज्यादा लेकिन प्रॉफिट कम, इस तरह की स्थिति आपकी 17 जुलाई तक रहेगी। 17 जुलाई के बाद बहुत तेजी से स्थिति आपके लिए अनुकूल होगी, लाभ वाली स्थितियां आएगी और आप एक अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे फाइनेंशियली।
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिरी भाव की, 12वें भाव की, जहाँ पर वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि में केतु उपस्थित है। वृश्चिक के जो स्वामी है मंगल, वो 8वें भाव में नीच के होकर बैठे हैं, जो कि 20 जुलाई तक मंगल कर्क राशि में ही रहेंगे, उसके बाद राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। देखिए, 20 जुलाई तक आपको बहुत कंट्रोल रखना है अपने खर्चों पर। लंबी दूरी की यात्राएं आपकी होगी या बहुत सारी छोटी छोटी यात्राएं आपकी होती रहेगी पूरे महीने, खास करके 20 जुलाई तक। उसके अलावा खर्च आपके बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, अननेसेसरी खर्च भी, मजबूरी में या ना चाहते हुए भी किसी भी तरह से आपका खर्च हो सकता है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और 1 से 20 जुलाई के बीच में आपकी डेट आती है, तो आप उसको थोड़ा सा आगे बढ़वा ले, 20 जुलाई के बाद की रखवा ले, तो आपके लिए स्थिति अनुकूल रहेगी। ओवरऑल अगर हम देखें तो धनु राशि वालों के लिए जुलाई का महीना सामान्य या सामान्य से थोड़ा अच्छा रहने वाला है। अब ये जो मैंने नेगेटिव्स बताए, तो उनको आप कम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। आपको ये उपाय पूरे महीने करना है। पीले कलर का रुमाल अपनी जेब में रखना है, पीले कलर के कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहनना है। अगर आप नहाने के पानी में 2 चुटकी हल्दी मिला ले तो वो भी अच्छा हो जाएगा, उसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। और पीले कलर की चीजों का आप सेवन ज्यादा करें, खाने की चीजों का। ये उपाय आपको पूरे महीने करना है और ये आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ जुलाई में ही करना है, आप हमेशा तक भी कर सकते हैं। तो ये था धनु राशि वालों का राशिफल जुलाई 2021 का, कि कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो की लिंक शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।